आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं माला का ढाबा से आप सबका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी। मैं बनाने वाली हूँ दाल पूड़ी और खीर। दाल पूड़ी और खीर हर किसी को पसंद होती है, ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है और इसे बनाना तो काफ़ी आसान है। तो चलिए दाल पूड़ी और खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खीर बनाने की तैयारी करूँगी। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, मैंने फुल फैट दूध लिया है। फुल फैट दूध से खीर काफ़ी क्रीमी तैयार होती है। इसे पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ। जब तक दूध बॉईल हो रहा है हम खीर के लिए चावल ले लेते हैं। ये मैंने 100 ग्राम के करीब छोटी दाने वाली बासमती चावल ली है। इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने से चावल पर लगा पाउडर धुल जाएगा। मैंने चावल को 3 पानी से वॉश कर लिया है। इधर दूध में भी उबाल आ गया है। दूध को 2-3 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए थोड़ा और उबाल लेते हैं। अब इसमें वॉश किए हुए चावल को डाल देते हैं। चावल डालने के बाद कलछी या चम्मच से थोड़ा चला लेंगे जिससे चावल एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। जब तक दूध थोड़ा थिक नहीं हो जाता और चावल सॉफ्ट नहीं हो जाते इसे लो मीडियम आंच पर ही इसी तरह पकाएंगे। खीर को बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, नहीं तो खीर जल भी सकती है। जितने देर में हमारी खीर तैयार हो रही है उतने देर में हम दाल पूड़ी के लिए दाल वाली स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। 1 सूखी लाल मिर्च तोड़ कर डाल देते हैं। इसे थोड़ा लाल होने तक भून लेते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें थोड़ा पानी डालकर मसालों को धीमी आंच पर भून लेते हैं। मसाले बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। मसाले भून गए हैं, अब इसमें सोख किए हुए चना दाल को डाल देते हैं। मैंने ये 250 ग्राम चना दाल लिया है जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में सोख होने के लिए रख दिया था। चना दाल को मसालों में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। चना दाल को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक को दाल में मिक्स कर लेते हैं। इसे ढक देते हैं। जब तक दाल से पानी सूख नहीं जाता तब तक इसे हम लो मीडियम आंच पर ढककर ही पकाएंगे। जब तक चना दाल पक रही है हम खीर को चेक कर लेते हैं। देखिए खीर का चावल सॉफ्ट हो गया है, लेकिन इसे थोड़ा और पकाएंगे। जब तक चावल पूरी तरह गल नहीं जाती और दूध गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसे हम इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। देखिए दाल से पानी सूख गया है और दाल अच्छी तरह पक भी गया है। इसे पकने में 6-7 मिनट का समय लगा है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और अच्छी तरह इसे दाल में मिक्स कर लेते हैं। दाल का मिश्रण तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। एक तरफ हमारी खीर भी तैयार हो गई है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, थोड़े काजू, थोड़े किशमिश डाल देते हैं। इसमें 2 या 3 हरी इलायची कूट कर डाल देते हैं। चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। जब तक चीनी अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाती इसी तरह लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। हमारी खीर बनकर तैयार है। देखिए दूध सूखकर कितना गाढ़ा और मलाईदार हो गया है। ठंडी होने के बाद खीर और भी गाढ़ी हो जाएगी। दाल का मिश्रण ठंडा हो गया है, इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं। दाल को थोड़ा थोड़ा कर ही पीसेंगे तभी ये अच्छी तरह पीस पाएगा। मैंने सारे दाल को पीस लिया है। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से पीस कर तैयार हुआ है। अब हम दाल पूड़ी के लिए डो तैयार करेंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देते हैं। इसे आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं।
जितनी सॉफ्ट डो आप रोटी या पूरी के लिए तैयार करते हैं उतना ही सॉफ्ट दाल पूरी के डो को भी तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो के कारण ही पूरी ज़्यादा समय तक सॉफ्ट बनी रहती है। मैंने डो को तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। डो में से थोड़ा पोर्शन तोड़ लेते हैं और इसे इस तरह से लंबा खींचते हुए इसमें से नींबू के आकार का लोई तोड़ लेते हैं। अब लोई को चिकना करके कटोरी का शेप दे देते हैं। इसमें एक चम्मच दाल का स्टफिंग भर देते हैं। स्टफिंग को अंदर की ओर हल्का दबा देंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह कुछ लोई में स्टफिंग भरकर तैयार कर लेते हैं ताकि बाद में जब भी खाना हो इसे बेलें और फ्राई कर लें। अब इसे बेल लेते हैं। इसे बेलने से पहले लोई में थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा लें, फिर उसके बाद ही इसे बेलें। पूड़ियों को बेलने के लिए सूखे आटे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पूड़ियों को बेलते समय इसे हल्के हाथों से ही बेलें, दबाकर बिल्कुल नहीं बेलेंगे। दबाकर बेलने से पूड़ियाँ फट भी सकती हैं। मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है और मेरी कुछ दाल पूड़ियाँ भी बेलकर तैयार हैं। एक दाल पूड़ी को ऑयल में डाल देते हैं। इसे फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। पूड़ी को छनौटे से हल्का हल्का प्रेस करते हुए फुलाएंगे। देखिए दाल पूड़ी कितनी अच्छी तरह फूल गई है। इसे पलट लेते हैं। देखिए एक तरफ से इसका कितना अच्छा कलर आया है। दूसरी तरफ भी इसे कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमारी एक दाल पूड़ी फ्राई होकर तैयार है। इसी तरह सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। मैंने सारी दाल पूड़ियों को फ्राई कर लिया है। लीजिए हमारी दाल पूड़ी और खीर बनकर तैयार है। दाल पूड़ी और खीर का कॉम्बिनेशन खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और सभी को काफ़ी पसंद भी आता है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस दाल पूड़ी और खीर की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें। और भी रेसिपी की जानकारी के लिए मेरे चैनल माला का ढाबा को देखना ना भूलें। वहां इसी प्रकार की रेसिपी की जानकारी आपको मिलेगी। मैं आपसे फिर मिलती हूं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।